काश हम आपकी खूबसूरती को रूबरू देख पाते। आपने हमसे कभी कहा ही नहीं, वरना हम पहले ही आ जाते। अरे वाह, आप बोलने में लगी। शहजादे सलीम, हम यहाँ हैं। हमारा गला दबा दीजिए। तेल लगा के या बिना तेल के? शाही खून है हम। इससे पहले कि हम यहाँ पर रहकर अपना आपा खो दे और तुम्हारा खून कर दे, हम यहाँ से खुद ही रुखसत हो जाते हैं। जी हाँ जी, शाही खून है हम इस पूरी रियासत के, लेकिन हमारा उर्वशी से मिलना मुश्किल हो गया है। आप कुछ कीजिए ना, उस सेवक को वहां से हटाइए ना। इतने परेशान? कोई बात नहीं, आप कुछ वक्त के बाद उर्वशी जी से मिलने फिर जाइएगा। तब तक वो सेवक, वो वहां से इतनी दूर जा चुका होगा कि उसका वापस आना नामुमकिन होगा। ए सेवक राम, बदतमीज, उर्वशी के बिस्तर पर सो रहा है, उठ। अरे उठ। जहाँ पर आए शाही खून ने खून कर दिया, शहजादे सलीम ने सेवक राम का खून कर दिया। जहाँ पर आए देखिए, ये देखिए। जब से हमने आपको पाया है, तब से हमने अपने अंदर एक नए सलीम को पाया है। पिछले 15 दिनों से आपका और हमारा रिश्ता एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है कि अब हम आपके बिना जीने की सोच भी नहीं सकते। आपको इस दीवार से जितना प्यार है, उतना ही प्यार हमारे दिल के दरो दीवार में है आपके लिए। और क्यों ना हो, हम जो भी आपसे काम कहते हैं आप उसे पूरा कर देती हैं। हमने आज तक आपका राज किसी को नहीं बताया है, लेकिन अब हम आपको और अच्छे से जानना चाहते हैं। काश 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 हम आपकी खूबसूरती को रूबरू देख पाते। आपने हमसे कभी कहा ही नहीं, वरना हम पहले ही आ जाते। अरे वाह, आप बोलने में लगी। शहजादे सलीम, हम यहाँ हैं। झूठ तो सिर्फ नफरत होती है, प्यार तो हमेशा सच होता है, सिर्फ सच। हमें यकीन नहीं हो रहा कि आप सचमुच हमारे सामने खड़ी हैं। जितनी जल्दी यकीन हो जाए उतना बेहतर है शहजादे सलीम, क्योंकि इस फानी दुनिया में वक्त ही कितना है, नहीं? और कहा जाता है कि अपने सपनों के सच होने पर शक नहीं किया जाता, बल्कि अपनी किस्मत पर रश्क किया जाता है। आप कमाल है। आप जिया, आप हमें जिया कह सकते हैं। जिया जी, आप इतनी खूबसूरत है कि हम आपको बयां नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे दिल में उर्वशी नहीं होती ना, तो हमारी पहली मोहब्बत आप होती। शहजादे सलीम, दिल में जो है वही है प्यार के काबिल, वरना इस दीवार के काबिल तो कोई भी तस्वीर हो सकती है, नहीं? वाह वाह वाह, क्या खूब फरमाया है आपने, लेकिन हमें लगता है कि उर्वशी हमसे मोहब्बत नहीं करती। शहजादे सलीम, मोहब्बत का एक असूल होता है कि वो खुद ब खुद हो जाती है, लेकिन इस असूल को तोड़ा भी जा सकता है अगर सामने वाला दिल उसे टूट कर चाहे तो। आप उर्वशी जी से बातें कीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए और फिर देखिए आपका वक्त कैसे बदलता है। आप उर्वशी जी के मन में अपनी मोहब्बत का एहसास जगाइए।
जगाइए। लेकिन इस वक्त तो वो सो रही होंगी, जगाना ठीक नहीं होगा। अब जाइए तो सही, वो जाग रही है। हाँ, आपकी बात तो कभी गलत नहीं होती, हम जाते हैं। अरे जी, जिया जी, जी धुएं में गायब जिन्न जिया। ए ला 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 जिया 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 उर्वशी जी। उर्वशी जी, हम आपके पैर दबा दें। छोड़िए। कैसे छोड़ें? अभी तो हमने आपके पैर पकड़े भी नहीं। वही तो हम कह रहे हैं, पैर दबाने का ख्याल छोड़िए, रहने दीजिए। नहीं उर्वशी जी, नहीं, हम ठहरे आपके सेवक और आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है और ये फर्ज हम जरूर निभाएंगे। छोड़िए। क्यों छोड़ें? हम तो ज्यादा नमक खाते भी नहीं। इनका मतलब है कि आप इनका दिमाग खाना छोड़िए और अपना काम कीजिए। वही तो कर रहे हैं शहजादे सलीम, लेकिन उर्वशी जी हमें सेवा का मौका ही नहीं दे रही हैं। क्या नाम है आपका? जी सेवक राम। हाँ तो सेवक राम जी। जी सेवक राम। हाँ तो जी सेवक राम जी, आप यहाँ से रुखसती ले सकते हैं। क्यों शहजादे सलीम? क्योंकि हमें उर्वशी जी से कुछ बात करनी है। छोड़िए। देखा, उर्वशी भी कह रही है कि आप यहाँ से रुखसती ले लीजिए और ये कमरा छोड़ दीजिए, जाइए। हमारा मतलब है सेवक राम जी को यहीं छोड़िए और आप हमसे बात कीजिए। अच्छा ठीक है, हम वो हम आपसे कहना चाहते, अरे हम नहीं कर सकते, जब तक ये यहाँ रहेगा हमारा ध्यान भटका रहेगा, फिर हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। फिर शहजादे सलीम, हम आपकी सेवा करते हैं तो आपका ध्यान नहीं भटेगा, तो बोलिए आपके हम पैर दबाएं या फिर सर? हमारा गला दबा दीजिए, तेल लगा के या बिना तेल के। शाही खून है हम, इससे पहले कि हम यहाँ पर रहकर अपना आपा खो दे और तुम्हारा खून कर दे, हम यहाँ से खुद ही रुखसत हो जाते हैं। खुदा हाफिज। सेवक राम जी, आज तो आपने बहुत अच्छी सेवा की, आपकी वजह से शहजादे सलीम यहाँ से चले गए, वरना यहाँ बैठकर हमारा दिमाग खा जाते। इससे पहले कि वो वापस आ जाए हम भी चलते। क्या मुसीबत है, हम दो पल उर्वशी से अकेले में बात भी नहीं कर सकते। अब हम उसे कैसे बताएं कि हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। सलीम बेटा। हाँ? सलीम बेटा, क्या क्या ऐसे बातें कर रहे हो अकेले में? हाँ, तुम ठीक हो ना बेटा? कई दिनों से तुम खोए खोए से लग रहे हो। नहीं नहीं अम्मी जान, हम बस अपने कमरे में खोए खोए रहते, मतलब सोए सोए रहते हैं। अम्मी जान, अब बहुत रात हो गई है, हम अपने कमरे में खोने जा रहे हैं, मतलब सोने जा रहे हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बेटा, शुभ रात्रि। हमारा लाल ऐसे कैसे पीला पड़ता जा रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है। हमारे लाल की चिंता हो रही है हमें। सलीम के अब्बू, सलीम के अब्बू, सलीम के अब्बू। जिया जी, जिया जी, जिया जी, शाही खून है हम, लेकिन हम बहुत परेशान हैं, आप सामने आइए ना। क्या हुआ शहजादे सलीम, जीता है मोहब्बत की जंग? नहीं, वहां पर एक जंग लगी तलवार पड़ी है जो बार बार आकर हमारे सर पर रुक जाती है। जिया जी, शाही खून है हम इस पूरी रियासत के, लेकिन हमारा उर्वशी से मिलना मुश्किल हो गया है। आप कुछ कीजिए ना, उस सेवक को वहां से हटाइए ना। इतने परेशान? कोई बात नहीं, आप कुछ वक्त के बाद उर्वशी जी से मिलने फिर जाइएगा, तब तक वो सेवक वो वहां से इतनी दूर जा चुका होगा कि उसका वापस आना नामुमकिन होगा। सलीम, सलीम खोलो दरवाजा।
सलीम, तुम ठीक हो ना? ओह, ये क्या अजीब सा, ये सब धुआं धुआं क्या है? वो अम्मी जान, हमने अगरबत्ती जलाई थी। देखिए, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं आप काफी खोए खोए से रहते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो अपनी अम्मी जान को बताइए, क्योंकि हम तो वैसे ही आपकी हरकतों से बहुत परेशान हैं। आप चुप करेंगे? सलीम बेटा, हमें बताओ कोई परेशानी है? हाँ, हमें बताओ, तुम ठीक तो हो ना? नहीं अम्मी जान, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। अम्मी जान, अब हमें बहुत तेज नींद आ रही है। देखिए, इन्हें नींद आ रही है, बिल्कुल ठीक है ये, और आपको लग रहा है कि इनका बर्ताव कुछ अजीब सा हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ है रानी साहिबा, ये एकदम ठीक है, इन्हें भी सोना है, हमें भी सोना है। चलिए, हाँ सो जाइए, आप जाइए। बेटा ठीक हो ना बेटा? वो ठीक है, आप आइए। फिर भी, अरे एकदम ठीक है, जाइए अंदर। फिर भी लग रहा है कि नहीं। सो जाइए आप। जिया जी, अब तो कुछ वक्त बीत गया, हमें उम्मीद है कि अब वो सेवक हमें उर्वशी के यहां नहीं मिलेगा। उर्वशी जी? सेवक राम। जिया ने कहा था कि सेवक राम यहां पर नहीं होगा और नहीं है। अरे वाह जिया, जियो। अरे लेकिन उर्वशी जी तो सो रही है। कोई बात नहीं, हम उर्वशी जी को उठा देते हैं। उर्वशी जी, उर्वशी जी उठिए ना, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। उर्वशी जी, ए सेवक राम, तमीज, उर्वशी के बिस्तर पर सो रहा है, उठ। अरे उठ। ये खून किसने किया? किसने किया? जिया, आप कुछ वक्त के बाद उर्वशी जी से मिलने फिर जाइएगा। तब तक वो सेवक, वो वहां से इतनी दूर जा चुका होगा कि उसका वापस आना नामुमकिन होगा। अरे हमने तो जिया से इसे सिर्फ कमरे से रुखसत करने को कहा था, लेकिन उसने तो इसे दुनिया से ही रुखसत कर दिया, और अब हम क्या करें? क्या कर? अरे ये तो हमारा खंजर है। क्या हुआ, किसका खून हो गया है? जामुना शाही खून ने खून कर दिया, शहजादे सलीम ने सेवक राम का खून कर दिया। यहां पर आइए, देखिए देखिए। नहीं अब हुजूर, हमने किसी का खून नहीं किया, हम निर्दोष हैं। खंजर देखिए, खंजर। इसका फैसला तो अब दरबार में होगा। नहीं, सलीम ऐसा कभी नहीं कर सकता। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है रानी साहिबा, लेकिन राजा दरबार ने शहजादे सलीम को सेवक का कत्ल करते हुए देखा है अपनी आंखों से। आप अपने सलीम पर विश्वास कीजिए जापना, वो आप ही का तो खून है। हाँ, लेकिन इस बार हमारे खून ने खून किया है, हमें इंसाफ करना ही होगा। शहजादे सलीम, आप पर सेवक राम के कत्ल का इल्जाम है।
क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? सफाई? अब्बा हुजूर शाही खून है हम कोई सफाई नहीं करेंगे। अरे सफाई का मतलब है क्या आप अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा वो, हाँ अब्बा हुजूर हम बेगुनाह हैं, हमने खून नहीं किया है। वो खून हमारे कमरे में लटकी एक जादुई तस्वीर ने किया है। क्या? हाँ अब्बा हुजूर हमारे कमरे की दक्षिणी दीवार पर एक जादुई तस्वीर लटकी है। वो आती है और जाती है, हमारा सारा काम कर देती है। आपके कहने का मतलब है कि उस जादुई तस्वीर में से जो लड़की बाहर निकलती है उसने ये कत्ल किया है। ठीक है तो ले चलिए हमें उस तस्वीर के पास, हम भी देखना चाहते हैं वो जादुई तस्वीर। ये देखिए अब्बा हुजूर यही है वो जादुई तस्वीर, इसमें जो लड़की है जब भी हम इसे बुलाते हैं ये बाहर आ जाती है। तो बुलाइए, हम भी देखना चाहते हैं, आप बुलाइए इन्हें बाहर, बुलाइए। हाँ जिया, जिया, जी हाँ जी हाँ, क्या कह रहे हैं हम, कह रहे हैं ना बुलाइए तो बुलाइए। अरे नहीं अब्बा हुजूर इसका नाम है जिया। जी या, तो जी या कहिए ना, जी हाँ क्यों कह रहे हैं, जी हाँ और जी या में फर्क होता है। जिया जी बाहर आइए और इन सबको बता दीजिए कि ये खून हमने नहीं किया, आइए। जिया जी, जिया जी आप हमें सुन पा रही है ना, हमें आपकी बहुत जरूरत है, बाहर आइए ना। आएंगे। अब्बा हुजूर हम सच कह रहे हैं, कल हम इसी लड़की से रूबरू हुए थे और ये लड़की ठीक वहां खड़ी थी जहां आप खड़े हैं, शायद आप खड़े हैं इसलिए वो नहीं आ पा रही, आप हटिए ना। हाँ तरीचे शक, इस बात पर आपके कौन यकीन करेगा शहजादे सलीम की उस तस्वीर में से एक मोहतरमा बाहर आकर आपसे गुफ्तगू करती हैं? बीरबल जी करेंगे। हाँ क्योंकि बीरबल जी ने हमें ये जादुई तस्वीर दी थी। हमने शहजादे सलीम, हमने आपको कब ये तस्वीर दी? आपने नहीं दी लेकिन आपने एक सेवक के हाथों द्वारा हमें ये तस्वीर दी थी। शहजादे सलीम हम ऐसा क्यों करेंगे, और अगर हमने किसी सेवक के हाथों आपको ये तस्वीर भिजवाई भी थी तो आपने बाद में हमसे क्यों नहीं पूछा? यही तो हमारी गलती है, लेकिन अब्बा हुजूर हम सच कह रहे हैं ये जादुई तस्वीर हमें बीरबल जी ने ही दी थी। वैसे जहां पर ना शहजादे सलीम कभी झूठ नहीं बोलते। झूठ तो हम भी कभी नहीं बोलते जापना। फिलहाल इंसाफ का तकाजा यही कहता है कि कत्ल शहजादे ने ही किया है, इसीलिए इन्हें कैद खाने में डाल दिया जाए। तब तक तहकीकात जारी रखिए। ये क्यों भूल जाती है रानी साहिबा, एक बाप के साथ साथ हम एक बादशाह भी हैं, इंसाफ करना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ तो अपनी जिम्मेदारी निभाइए, लेकिन एक बाप होने का फर्ज भी निभाइए। जहाँ पना हम क्या कर सकते हैं रानी साहिबा, सारे के सारे सबूत शहजादे सलीम के खिलाफ हैं। ये सब आपके बिरबल की वजह से हुआ है, बिरबल की वजह से ही हमारा बेटा सलाखों के पीछे, और हम जानते हैं कि हमारा बेटा निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। हाँ तो बीरबल भी निर्दोष है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। रानी साहब आप बात को समझिए, बीरबल तहकीकात कर रहे हैं और अगर शहजादे सलीम बेगुनाह साबित हो जाते हैं तो उन्हें बाइज्जत बरी किया जाएगा और सबसे ज्यादा खुशी हमें ही होगी, यकीन कीजिए हमारी बात का। हमें आप पर यकीन है जहाँपना, लेकिन उस इंसान पर यकीन नहीं है जिसकी वजह से आज हमारा बेटा सलाखों के पीछे। गुस्ताखी मुआफ जहाँपना, जहाँपना और रानी साहिबा के अदब में इस खदीम का बाद अब सलाम। रानी साहिबा आपको हम पर तो यकीन है ना? हाँ मुल्ला जी, आप पर पूरा यकीन है। तो अब अगर जहाँपना का हुक्म हो
तो हम इस मामले की तहकीकात करना चाहेंगे। जहां पना कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन सिर्फ हमारा हुक्म बजाने के लिए नहीं, बल्कि रानी साहिबा की तसल्ली के लिए आप पूरी तहकीकात कीजिए। शुक्रिया शुक्रिया जहां पना। रानी साहिबा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अगर शहजादे सलीम बेगुनाह हुए तो हम उन्हें कैद खाने से किसी भी हाल में निकाल ले आएंगे, और अगर बीरबल को निकाल हुए तो किसी भी हाल में हम उन्हें कैद खाने में डाल कर ही रहेंगे। दरीशी शक। उर्वशी, हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि कैद खाने में जाने से पहले शहजादे सलीम ने हम पर इल्जाम क्यों लगाया। छोड़िए। अरे नहीं छोड़ सकते उर्वशी, जाबरा ने शहजादे सलीम को कैद करवाया, उन्हें ऐसे कैद में नहीं छोड़ सकते। अरे सोचना छोड़िए, हम जानते हैं कि उन्होंने आप पे इल्जाम क्यों लगाया। शायद उन्हें हमारे प्यार के बारे में पता चल गया, इसलिए वो आपको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। अरे नहीं 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 उर्वशी, शहजादे सलीम इतने चालाक नहीं है, चालबाज नहीं है, भोले हैं बेचारे। अच्छा, अगर इतने भोले हैं तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि वो तस्वीर आपने दी थी। यही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। उर्वशी एक बार फिर और विस्तार से बताइए कि हादसे से पहले जब शहजादे सलीम आखिरी बार आपके कमरे में आए थे तो हुआ क्या था। सुनिए, हम अपने कक्ष में थे, सेवक राम भी वहीं थे। और बस फिर क्या था, वो सेवक राम पे गुस्सा हुए और वहां से चले गए। अगर शहजादे सलीम ने खुद पर काबू कर लिया था और यहाँ से चले गए थे तो फिर सेवक राम की हत्या करने के लिए दोबारा आए क्यों। ऋषि, कहीं ना कहीं कुछ तो है जो हमारी नजर में नहीं आ रहा। ये मामला बड़ा ही पेचीदा है। मामला तो बड़ा पेचीदा है शहजादे सलीम, लेकिन हमें और रानी साहिबा को आपकी बेगुनाही पर पूरा यकीन है। मगर यकीन सबूत नहीं होता ना शहजादे साहब, इसीलिए हम आपसे दरख्वास्त करने आए कि ये तस्वीर का किस्सा कब और कहां और कैसे शुरू हुआ, जरा जरा खुल के बताइए हमें। कहानी तब शुरू हुई जब आप इस महल में आए और बलदेव मामूजान इस महल से चले गए, और वासु भी उनसे मिलने अक्सर मारवाड़ जाता रहा और इस महल से नदारत रहने लगा। हम बहुत अकेले हो गए थे, तन्हाई हमें काटने लगी थी। फिर एक दिन हमने ये बात बीरबल जी को बताई। बस यही बात है बीरबल जी, इसलिए आजकल अकेलेपन का दुख हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। हम समझ सकते हैं शहजादे सलीम, इंसान दुनिया में आता अकेला है, दुनिया से जाता अकेला है, लेकिन दुनिया में रहने के लिए उसे किसी ना किसी के साथ की जरूरत होती है। वही तो, शाही खून है हम, लेकिन ये बात भी सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको एक ऐसा तोहफा देंगे जिसके बाद आपका सारा अकेलापन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आपको किसी मित्र की भी जरूरत नहीं होगी। दरीचे शक। दरीचे नहीं बगीचे, हमें यकीन नहीं था कि बीरबल जी कुछ ऐसा करने वाले हैं। फिर अगले ही दिन शाही बगीचे में वासु भी यहाँ नहीं है और मामूजान भी यहाँ नहीं है, जिनका सामान हम चुरा कर अलग अलग जानवरों की कुश्ती प्रतियोगिता करवा सके। अब हम क्या करें। सलाम शहजादे सलीम, बीरबल जी ने ये तस्वीर आपके लिए भिजवाई है। तस्वीर? तस्वीर का हम क्या करेंगे? तुम एक काम करो,
ये तस्वीर ले जाकर बीरबल जी को वापस दे दो। उनसे कहो तस्वीरों का हमें कोई खास शौक नहीं है। मगर हुजूर ये बहुत ही खास तस्वीर है, जादुई तस्वीर है ये। जादुई तस्वीर? ऐसा क्या जादू है इसमें? वो तो हमें पता नहीं हुजूर, मगर बीरबल जी ने कहा है आप इसे अपने कक्ष के दक्षिणी दीवार पे लगाएंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। लीजिए लीजिए लीजिए। जादुई तस्वीर? ऐसा क्या जादू होगा इसमें? हाँ, और हमने वो तस्वीर ले जाकर अपने कमरे के दक्षिणी दीवार पर लगा दी। दरीचे शक। शहजादे सलीम, अब हमें ये बताइए कि जब ये जादुई तस्वीर बीरबल जी ने आपको दी थी तब क्या आपने उनसे ये पूछना मुनासिब समझा था कि ये तस्वीर उन्हें कहां से मिली? वो दरअसल हमने बीरबल जी से कुछ पूछा ही नहीं आई, क्योंकि हम बहुत दिनों से तनाव महसूस कर रहे थे। जब से हमें वो तस्वीर मिली हमें ऐसा लगा कि हमें कोई जीवन साथी मिल गया है। हम दिन रात उस तस्वीर से अपने दिल की बात करते थे और हम जो भी काम उससे कहते वो पूरा कर देती थी। गुलाब? ये हमने आपसे कहा था कि गुलाब को देखकर हमारा दिल खुश हो जाता है और आपने गुलाब ला भी दिया। अरे वाह, अब आप ही हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। ए, ला 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 ला, दोस्त दोस्त दोस्त। अरे ये हमारा कमरा तो पूरा अस्त व्यस्त है, अगर अम्मी जान ने देख लिया तो हमारी जान निकाल देंगी। हम अभी एक दास को बुला कर लाते हैं। अरे शाही खून है हम, और हमारी शाही तलवार पर जंग लगी हुई। सलीम। हाँ अम्मी जान, आया आया अम्मी जान। दरीचे शक। शहजादे सलीम, हमें अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक तस्वीर ये सारे काम कैसे कर सकती है। शाही खून है हम तो पहले ही दिन समझ गए थे कि वो तस्वीर ये सारे काम कैसे करती है। कैसे कर सकती है शहजादे सलीम, यही तो हम आपसे पूछ रहे। जादू से? हाँ। और हमारा सारा काम करते करते एक दिन उसने सेवक राम का काम तमाम कर दिया और खून का इल्जाम आ गया हम पर। देखिए देखिए शहजादे सलीम, आप हमसे बेखौफ होकर सब कुछ साफ साफ कह सकते हैं। यकीन मानिए हम आपकी मदद करने यहाँ आए हैं। अरे तो अब तक हम क्या आपको अलिफ लैला के लतीफे सुना रहे थे? दरीचे शक। जी नहीं शहजादे सलीम, अब हमें आप पर पूरा यकीन हो गया है। हम तो सिर्फ ये पुख्ता कर रहे थे कि कहीं ये सोच समझ कर कोई बनी बनाई कहानी तो नहीं। देखिए मुल्ला जी, अब हुजूर ने सोचने और समझने के लिए बीरबल जी और आप जैसे बुद्धिमानी अकलमंदी दानिशमंदी जैसे लोगों को रखा है, तो फिर हम सोचने और समझने में अपनी मेहनत क्यों बर्बाद करें? ये बात भी सच है।
अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए शहजादे सलीम, हम आपको यहां से जल्द रिहा करवाएंगे। तरीची शक। बीरबल, हमें समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। शहजादे सलीम कैदखाने की हवा खा रहे हैं, रानी साहिबा कुछ खाना ही नहीं खा रही हैं। कहती हैं जब तक शहजादे सलीम बाहर नहीं आ जाते वो कुछ नहीं खाएंगी, लेकिन हमारा दिमाग जरूर खा रही हैं। देखिए जाबना, हम आपकी हालत समझ सकते हैं। जाबना के अदब में इस खदीम का बाद अब सलाम। जाबना, वैसे ये बात तो हमने अच्छे तरीके से समझ ली कि शहजादे सलीम की कहानी बिल्कुल सच्ची है। ये आप कैसे कह सकते हैं मुल्ला? अगर सलीम की बात में सच्चाई है तो सलीम के बुलाने पर भी वो लड़की तस्वीर से बाहर सबके सामने क्यों नहीं आई? जहां पना, इस सवाल का जवाब तो आपको तस्वीर लाने वाला शख्स ही बता सकता है। मुल्ला जी, हम जानते हैं कि आपका इशारा हमारी तरफ है, लेकिन जापना, हम आप सबसे कह चुके हैं कि शहजादे सलीम को तस्वीर हमने नहीं दी। और मुल्ला जी, बीरबल कभी हमसे झूठ नहीं बोलते, हमें इन पर पूरा विश्वास है। गुस्ताखी मुआफ जहांपना, लेकिन इतिहास गवाह है कि विश्वासघात विश्वास पात्र ने ही किया है। कहने का क्या मतलब है? हम तो बस आपसे ये कहना चाहते हैं हुजूर कि आज के वक्त में हिंदुस्तान के शहजादे की जान दांव पर है। अब इन हालातों में बिना किसी पुख्ता सबूत के शहजादे को गुनेगार और बीरबल जी को बेगुनाह ना माने जहां पर ना। वैसे भी एक छोटी सी चूक से भी शहजादे षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं जहां पर ना। वक्त बहुत ही बुरा है। वक्त पलटेगा जहां पर ना, और ये सारा षड्यंत्र भी पलटेगा। बस हमें 2-3 दिन की मोहलत दे दीजिए, हम पर भरोसा रखिए। ठीक है बीरबल, हम भी नहीं चाहते कि किसी बेगुनाह को सजा हो, इसलिए जो वक्त आप चाहते हैं वो वक्त हम आपको देते हैं। शुक्रिया जापना। कत्ल यहां हुआ था, इसका मतलब कातिल ने कोई ना कोई सुराग जरूर यहीं छोड़ा होगा। चलिए ढूंढिए। मित्र बीरबल, हमें क्या पता कैसे ढूंढते हैं सुराग, हम तो संगीतकार हैं, बस लगा सकते हैं अपने संगीत से आग। छोड़िए। अरे कैसे छोड़े उर्वशी, अभी तक हमने आग लगाई कहां? वही तो हम कह रहे हैं, सुर लगाना छोड़िए और सुराग ढूंढिए। यहां तो कोई सुराग नहीं। उर्वशी, अगर यहां कोई सुराग नहीं है तो हम जानते हैं कि सुराग कहां मिलेगा। भागे। चलिए चलिए। छोड़िए। क्या छोड़े, तहकीकात करना छोड़ दे। हाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि हम कह रहे हैं ये सब शहजादे सलीम की चाल है, वो आपको फंसाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ऋषि, हमने आपसे पहले भी कहा है। पहले भी कहा है यही ना कि शहजादे सलीम बहुत भोले हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम कह रहे हैं शहजादे सलीम ने ये खून किया है बस। उर्वशी जी, मत कीजिए ऐसे खतरनाक बयान। क्या आपने वो कहावत नहीं सुनी कि दीवारों के भी होते हैं कान? मित्र तानसेन, क्या कहा आपने, एक बार फिर से कहिए। मत कीजिए ऐसे खतरनाक बयान। वो नहीं, उसके बाद क्या कहा? दीवारों के भी होते हैं कान। बीरबल, ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं हमारे बेटे के साथ? देखे रानी साहब, क्या देखे हम, क्या देखे बीरबल, हमारे बेटी को सूली पे लटकते देखे?
तब आप खुश रहेंगे। देखिए रानी साहिबा, हम भी शहजादे सलीम से बहुत प्यार करते हैं। उनके बारे में ऐसा बुरा हम सपने में भी नहीं सोच सकते। हम आपसे वादा करते हैं कि हम सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे। दरीचे शक, सच्चाई होगी तो पता चल ही जाएगा रानी साहब। वैसे जाल बहुत अच्छा बिछाया है आप। दिमाग तो ये कह रहा है हमारा कि आप कर रहे हैं मित्र बीरबल की ओर इशारा। दरीचे शक, आपका दिमाग बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहा है तानसेन जी। बीरबल, इस बार इस मुश्किल का हल हमारे बेटे की जान लेकर निकालेंगे क्या? और अगर ऐसा हुआ ना तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। रानी साहिबा, साहिबा अपने जज्बातों पर काबू पाइए। हमने अब तक शहजादे सलीम को गुनहगार मुजरिम माना नहीं है, तो आप भी बीरबल को मुजरिम घोषित मत कीजिए। कार्रवाई चल रही है, इंसाफ होगा रानी साहिबा, और जरूर होगा। शक, रानी साहिबा आपको आराम की जरूरत है, आप कुछ देर अंदर जाके आराम कीजिए। बीरबल, रानी साहिबा की तरफ से हम आपसे मुआफी मांगते। अरे जापना, ये आप क्या कह रहे? हम एक मां के दिल को समझ सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस वक्त रानी साहिबा पर क्या बीत रही होगी। इसलिए रानी साहिबा ने जो भी कहा हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि हम तो अब भी कहते हैं कि शहजादे सलीम निर्दोष है, और हम ये बात साबित करके रहेंगे। जापना, अब हमारी आपसे एक दरख्वास्त है, जब तक शहजादे सलीम मुजरिम साबित नहीं होते उन्हें कैद खाने से बाहर निकाली। नहीं नहीं, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप शहजादे सलीम को निर्दोष घोषित कर दीजिए, बस जब तक शहजादे सलीम मुजरिम साबित ना हो उन्हें कैद खाने से बाहर रहने की इजाजत दी जाए, ये बेहतर होगा शहजादे सलीम के लिए भी और इस मसले को सुलझाने के लिए भी। जिया, ये आपने क्या किया? अरे हमने तो आपको अपना दोस्त माना था, लेकिन आपने दोस्ती में इतना बड़ा कदम उठा लिया। अरे विश्वास किया था हमने आप पर, लेकिन अब कोई भी हम पर विश्वास नहीं कर रहा है। हमें अब भी आप पर विश्वास है शहजादे सलीम। अच्छा, तो अब आप लड़के की आवाज में भी बात करने लगी? हम बोल रहे हैं शहजादे सलीम। अब आप क्यों आए हैं यहाँ? शहजादे सलीम, आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन यकीन मानिए हम और आप दोनों ही एक ही गलत फहमी के शिकार। गलत फहमी? कैसी गलत फहमी? आपने हमसे कहा था कि आप हमारी तन्हाई दूर करने के लिए हमें एक तोहफा देने वाले हैं, उसके बाद आपने ये जादुई तस्वीर हमें उस सेवक के हाथों द्वारा भिजवाई, और यही सच है। यादा सच है, हम आपको तोहफा देना चाहते थे, लेकिन हम आपके लिए एक किताब लाने वाले थे ताकि किताब के साथ आपकी तन्हाई दूर हो सके। तो फिर ये जादुई तस्वीर किसने दी? यही तो मसला है शहजादे सलीम, लेकिन अब हमने इस मसले को सुलझा दिया। शहजादे सलीम, हमने इस तस्वीर वाली लड़की का पता लगा लिया, ये आपकी दुश्मन। हमने इसके ठिकाने का भी पता लगा लिया। क्या कह रहे हैं आप ये? जी हाँ शहजादे सलीम, ये लड़की तस्वीर से नहीं बल्कि कहीं और से बाहर आती, और ये कहां से बाहर आती है ये सिर्फ हमें पता है। कल सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और आपको और जापना को सारी सच्चाई का पता चल जाए। शहजादे सलीम, हमारी आपसे एक दरख्वास्त है कि आज रात आप अपने कमरे में ना सोए, बल्कि वासु के कक्ष में जाकर आराम फरमाएं। ठीक है, चलते हैं। शब्बा खैर। आ,
तस्वीर से ज्यादा खूबसूरत हैं आप और तस्वीर से ज्यादा खतरनाक भी। बस अकल के मामले में थोड़ी सी कमी रह गई। ओहो, तो ये है वो खूनी तस्वीर की आत्मा। ये तो काफी खूबसूरत है, मतलब काफी खूंखार है, खतरनाक है। जी जापना, जितनी खतरनाक ये खुद है उतना ही खतरनाक इनका फैलाया हुआ जाल है। दुश्मन देश की सबसे बेहतरीन अय्यार है ये। इन्होंने योजना बनाई थी कि पहले ये शहजादे सलीम को कत्ल के जुर्म में फंसाए और फिर आप खुद शहजादे सलीम को मौत की सजा सुनाए और शहजादे सलीम के गम में डूब जाए, अपने राज्य से बेखबर हो जाए ताकि ये हमारे राज्य पर कब्जा कर सके। ये तो समझ में आया बीरबल, लेकिन ये तस्वीर का क्या खेल था? वो भी आपको हम बताते हैं जापना। आप तो जानते ही होंगे कि शहजादे सलीम के कमरे के दक्षिण दिशा में एक गलियारा है जो दोनों तरफ से बंद है। वहीं से इन्होंने शहजादे सलीम के कमरे तक का रास्ता बनाया। वो रास्ता एक पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। पर्दा हटने पर भी ऐसा लगता कि वहां एक दीवार ही है, क्योंकि इन्होंने ऐसा ही एक चित्र कागज पर बनाकर वहां लगा दिया था। जब भी शहजादे सलीम उस तस्वीर से बात करते तो उसी कागज की दीवार के पीछे खड़ी होकर ये सारी बातें सुनती और फिर वही करती थी जो शहजादे सलीम कहते। और शहजादे सलीम को लगता कि जादुई है। जा पना, कल हम भी शहजादे सलीम के कमरे में गए थे और जानबूझकर हमने वही बातें की जो हम चाहते थे कि ये सुने। ये लड़की तस्वीर से नहीं बल्कि कहीं और से बाहर आती, और ये कहां से बाहर आती है ये सिर्फ हमें पता है। ये सारी बातें इन्होंने सुनी और हम पर हमला किया और नतीजा आपके सामने। लेकिन बीरबल जी, वो धुएं में आना और जाना, वो भी हम आपको बताते। वो ये इस गोली से करती थी। ये कई अजीब रसायनों के मिश्रण से बनी। इस गोली को अगर जमीन पर रखकर इस पर 4-5 पानी की बूंदे डाल दी जाए तो चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। लेकिन हमें अच्छी तरह याद है बीरबल जी, जब ये आती थी तो इनके पास पानी नहीं होता था। शायद आपने ध्यान से नहीं सुना। इस गोली को धुआं बनाने के लिए सिर्फ 4-5 पानी की बूंदे ही काफी थी। इतना पानी तो ये अपना दुपट्टा भिगो कर भी ला सकती थी। पर अफसोस जापना, अब ना दुपट्टा रहेगा और ना दुपट्टे वाली। कोशिश तो आपने बहुत अच्छी की, लेकिन मुआफी चाहेंगे, आप कामयाब नहीं हो पाए। सिपाहियों, ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो। ले जाओ। बीरबल, एक बार फिर हमें कहना पड़ेगा, जापना आप हैं तो हम हैं। बादशाह अकबर के बगैर बीरबल कुछ भी नहीं। इसीलिए तो सब लोग कहते हैं कि हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल।